कोसी कला में भी कांग्रेसियों ने भाजपा गद्दी छोड़ो रैली निकाली। ये रैली कोसी कला के प्रमुख मार्ग से होती हुई गांधी पार्क पर जाकर संपन्न हुई। कांग्रेस कमेटी द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मोदी हटाओ योगी भगाओ का नारा देकर रैली शुरू की। ये रैली भगवती रोड से नगर के मुख्य बाजार पंजाबी बाजार बताशा बाजार नकाशा होते हुए बलदेवगंज घंटागढ़ से गुजरती हुई गांधी पार्क पर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की जनता को केवल महंगाई दी है। उन्होंने भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर जिले और गांव-गांव में रैली निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किसानों पर जो काला कानून थोपा है उसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए तेज आंदोलन करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम बिहारी पालीवाल ने कहा कि जब तक कांग्रेस योगी मोदी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देती कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सम्मानित श्रीमती प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष कुमार लल्लू जी और हमारे प्रदेश महासचिव अनिल यादव जी, हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी सम्मानित श्री तालान जी, सी पूर्व सी एल पी लीडर पृथ्वी माथुर जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक जी और कोसी के समस्त सरदारी हमारे बेनामी प्रधान जी, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, हमारे माहौर जी पालीवाल जी, समस्त कांग्रेसी जन और हमारे दीपक चौधरी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज कोसी में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और ये दिखा दिया कि आने वाले वर्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता मिलकर इस भाजपा सरकार को, इस निकम्मी सरकार को निश्चित रूप से गद्दी से बाहर फेंकेंगे। कोसी कला के जन जन के प्यार को साथ में लिए हुए, अपने नज़दीक बैठाए हुए प्रत्येक आत्मीयता को साथ में जोड़कर कोसी कला की भावनाओं को आज इंगित करते हुए हम अपने जोशो खरोश के साथ इस भावना को इस रूप में ले रहे हैं कि भाजपा वालों सावधान हो जाओ, कांग्रेस किसी तरह से तुमसे पीछे नहीं रहेगी, तुम्हारे सामने होगी, डटकर मुकाबले करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ इस भावना की स्थिति में भी कि जेल जाएंगे, करेंगे नहीं, मरेंगे भी इसी में, जो एक्सचेंज है बीसी में।